देश माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। ग्राम देवता, कुल देवता, परंपरा के देवता, ट्राइब्स के देवता, भारत में बहुत प्रकार के देवता होते हैं। 33 कोटि देवी देवता के अलावा भी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनको देवता के रूप में पूजा किया जाता है। हमारे बिहार में बहुत कहानियां, बिहार, झारखंड, बंगाल में आप सुनेंगे कि एक मुरकट्टा बाबा होते हैं, वो क्षेत्रपाल हैं, उनको बहुत लोगों ने देखा है। तो कहते हैं वो 30-35 फुट के होते हैं और उनका सर नहीं होता है और वो विचरण करते दिखते हैं। तो जो उनका क्षेत्र होता है, जहां उनकी स्थापना होती है, तो संध्या काल के बाद कोई वहां नहीं जाता है। अनजाने में कोई चला गया कभी तो उसको उनके दर्शन होते हैं, और जब दर्शन होते हैं तो उसके बाद तो कहानी ही दूसरी हो जाती है, तो लोग उनके क्षेत्र में नहीं जाते हैं। एक और हमारे यहाँ बाबा हैं, वो भी क्षेत्रपाल हैं। तो उनका काम क्या है कि अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं तो वो आपको रास्ता भटका देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो उनका क्षेत्र है उसमें कोई भी जो उस ग्राम का निवासी ना हो वो पहुंचे। तो ये सब कहानियां हम बचपन से सुनते थे, लेकिन तंत्र में आने के बाद समझ में आया कि ऐसी शक्तियां होती हैं और इन शक्तियों का अपना एक उपयोग होता है, जो पुराने काल के अघोरी तांत्रिक इन्होंने इनको स्थापित कर रखा है कि ये किसी गांव के किसी कुल की रक्षा करें। जब मैंने आप लोगों को तांत्रिकों के बारे में बताया था और साबर मंत्र के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि नागालैंड और आसाम के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ का तंत्र सबसे मजबूत है। वो शब्दों में जो तंत्र आता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत तंत्र है, और इसी तरीके से अलग अलग स्थानों के भाषाओं पर बहुत अलग अलग तंत्र होता है। जो मूलभूत बात इसमें यह है कि जो ट्राइबल तंत्र है, जो आदिवासियों के पास तंत्र का ज्ञान है, जो परिवार के सदस्यों से चलता आ रहा है, और जो ये अंग्रेजी एजुकेशन के चलते डाइल्यूट नहीं हुआ, वो बहुत मजबूत तंत्र होता है। तो दंडकारण्य के जंगल, यानी जिस पे सतयुग में रावण का राज्य था, ठीक है, ये अभी के दिन में साउथ इंडिया से लेके छत्तीसगढ़ झारखंड तक ये पूरा अभी भी फैला हुआ है। तो कहानी यहाँ से शुरू हुई कि एक वृद्ध व्यक्ति अपनी दो बेटियों को लेके मेरे पास आया। ये तीन अब उस परिवार में जिंदा बचे थे। इनकी जो धर्मपत्नी थी उनका निधन बहुत पहले हो गया था, और इनके 7 बेटे थे, और 1 साल के अंदर में 7 बेटों की मृत्यु हो गई अलग अलग कारण से। जो इन्होंने कालचक्र बताया, तो इन लोगों ने अपना स्थानांतरण किया था, मतलब ये एक दूसरे स्थान से आ करके और यहां बसे थे, और फिर इन्होंने एक जमीन पर अपना घर बनाया। घर बनते जो सबसे छोटा बेटा था, छोटा बेटा मतलब 22-23 साल का था, उसकी मृत्यु हो गई एक बाइक की दुर्घटना में। बहुत अलग तरीके का ये घटना था, क्योंकि ये व्यक्ति सीधे रोड पे अकेले जा रहा था, रात का समय था, ये एक डिवाइडर से टकराया, जैसे भी टकराया ये रोड पे गिरा मिला, बाइक पे एक भी स्क्रैच नहीं था, इस व्यक्ति के शरीर पे कोई स्क्रैच नहीं था, लेकिन ये मृत था। और इसके कुछ कुछ दिनों के बाद इसके घर में मातम खत्म होता नहीं था कि दूसरा शुरू हो जाता था। एक बेटा इसके कैंसर के रोग से 2 महीने के अंदर वो समाप्त हो गया, डॉक्टर ने बोला कि ये लास्ट स्टेज में पकड़ा गया है। उसी में से एक बेटा वो डिप्रेशन का शिकार हो गया और उसने फांसी लगा ली,
और अलग अलग जो इसके पुत्र थे इसके अलग अलग कहानियां थी कि ये अलग अलग कारणों से ये इस सारे जो थे ये मरते जा रहे थे, और अब इस वृद्ध के पास सिर्फ दो बेटियां थी। तो ये गुहार लगाता हुआ आया था कि किसी तरीके से इसके परिवार को, जो अब ये तीन लोग बचे हैं, इनको बचा ले। मतलब उसको ज्यादा ये था कि क्योंकि सिर्फ मेल मेंबर्स मर रहे थे तो अगला नंबर उनका ही होता। हालांकि ये सनातन धर्म से नहीं आते थे, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा कि ये क्यों नहीं गए मौलवियों के पास। तो पता चला ये बहुत मौलवियों के पास गए, कुछ पैसा भी बर्बाद किया क्योंकि गरीब परिवार से थे, बहुत कर नहीं सकते थे, और कई बार बंधन और कुछ कुछ करवाया लेकिन कभी इन चीजों का फायदा हुआ नहीं। मैं इनके साथ इनके घर गया। घर गया तो एक गरीब व्यक्ति के हिसाब से इनका घर काफी बड़ा था। मतलब जिस स्थान पर इनका घर था वो अच्छा स्थान था, मतलब शहर से बहुत दूर नहीं। और दलान था उसमें, एक घरों के बीच में जो आंगन होता है वो था, पीछे भी जगह था। तो एक तो मुझे ये शक हुआ कि ये लोग इतने जल्दी आ करके और इतना बड़ा इन्होंने जमीन एक्वायर कर लिया और घर बना लिया। घर बहुत एवरेज था, वो लग रहा था कि खुद से इन लोगों ने मेहनत करके बनाया, लेकिन इतना बड़ा जमीन किसी के पास होना जो कि बाहर से आया हो, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। तो मैं इस वृद्ध व्यक्ति के पास बैठ गया। मैंने पूछा कि किसी मौलाना से, कारी से, किसी शक्ति को आपने लिया था क्या जिससे कि आपके पास अकस्मात धन आया हो? तो इसने बोला ऐसा कुछ नहीं था, जब तक मेरे बच्चे मरे नहीं थे तो हम लोग तो इतना इन सब चीज़ों पे विश्वास भी नहीं करते थे, और जो अपना हम लोगों का धर्म है वो इबादत करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने पूछा कि आप आए कहाँ से हैं, क्योंकि इनके इनका जो सिस्टम है उसमें तो ये लोग एक देवता को मानते हैं, ग्राम देवता, कुल देवता जैसा कुछ होता नहीं। तो ये लोग बंगाल से भारत आए थे और इलीगल सिटीजन थे। तो थोड़ा तो मन मेरा खराब हुआ, मैंने बोला कि इनको नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर क्योंकि शरणागत थे तो शरणागत को तो किसी भी तरीके से उनको रिलीफ दिलाना था। मैंने उस घर का क्षेत्र बंधन किया, और क्षेत्र बंधन करने के 3 दिन बाद ही उस वृद्ध के बड़ी लड़की की स्थिति खराब हो गई। ये मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि जब क्षेत्र बंधन हो गया तो शक्तियों का अटैक क्यों होगा? अच्छा, जो एक नॉर्मल विचार है कि तबीयत खराब हो गई होगी, लेकिन जिस स्तर पे तबीयत और इतना फास्ट डिटेरिएशन था मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से भी, कि वो समझ में आ रहा था कि ये कुछ अजीब हो रहा है, कुछ बहुत नेचुरल नहीं है। फिर मैंने पूरी तफ्तीश की, तफ्तीश की तो पता चला कि ये बांग्लादेश से जब यहाँ आए तो ये सब एक झोपड़ी बना के रहते थे, ठीक है, और जिन्होंने इनको जगा दिया था वो एक वृद्ध आदिवासी व्यक्ति था। वो वृद्ध आदिवासी व्यक्ति अपनी बेटी के साथ उस स्थान पर रहता था। तो आदिवासियों के पास बहुत जमीन होती है, वो तो मालिक है, उनके पास तो पूरी जमीन है। तो उस वृद्ध आदिवासी से इन लोगों ने धीरे धीरे मित्रता किया, और कुछ दिन बाद उनकी बेटी किसी के साथ शादी करके चली गई, ठीक है। अब ये वृद्ध अकेले हो गए थे तो काफी डिपेंडेंट थे इन लोगों पे। इन लोगों ने, खास करके इनके बेटों ने, भोजन विहीन करके उस आदिवासी को मार दिया था। मतलब वृद्ध थे तो उनको तो स्पेशल केयर की जरूरत होती थी, लेकिन इन लोगों ने उनको घर में बंद कर दिया था और कुछ ऐसा किया था जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये सब इन्होंने किया था इस जमीन को कब्जा करने के लिए, क्योंकि लोग जानते थे कि इन्हीं के घर वो रहते हैं। तो बुजुर्ग ने बोला था कि तुम्हें जो भी करना है कर लो, तुम्हें जो ये घर चाहिए ये रख सकते हो, लेकिन मेरा देव स्थान है इस घर में, उसको मत छेड़ना।
तो जो छोटा लड़का था उसने उस बूढ़ा बूढ़े को ले जा करके और उस देवस्थान को देखा कि कहाँ पे देवस्थान है। तो वहां पे उसके हिसाब से कुछ नहीं था, एक पत्थर रखा हुआ था जिसकी ये पूजा करता था कोई बाबा बोल के। तो काफी हंसे क्योंकि इनके बिलीफ सिस्टम में ऐसा कुछ था नहीं। और बुजुर्ग की बीमारी, भुखमरी, जिससे भी बोलो, हत्या मतलब मृत्यु हो गई। अब क्यों हुआ ये, तो काल के साथ समाप्त हो गया। जब ये वृद्ध मरा और इन लोगों ने घर पे कब्जा किया, तो जानबूझ करके वो जो कमरा था जिसको वृद्ध ने नहीं छूने बोला था, उसको ढा करके, ठीक है, उसको गिरा करके इन लोगों ने वहां शौचालय बनाया। और जिस दिन वो शौचालय बना, उस दिन से इनके घर में तांडव शुरू हो गया। धीरे धीरे उन लोगों ने पूरा विषय बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। जब ग्रामीणों ने मुंह खोला कि ये बहुत बदमाश लोग हैं, इनकी मदद मत करो, ठीक है, तो हमने पूछा क्यों बदमाश है, पूरी कहानी आई। फिर वृद्ध ने बताया कि ऐसा हुआ था लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं है, वो सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था, कि यहाँ ग्राम देवता का स्थान था लेकिन यहाँ कुछ तो था जिसको तोड़ के फिर यहाँ बाथरूम बनाया। मतलब देखो, नफरत इतना कि वहां बाथरूम बना दिया। उसके बाद उसी 15 दिन में जो सबसे छोटे बेटी थी उसके एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। और एक एक करके जो जो उस मकान के मालिक बन रहे थे सबकी मृत्यु हो गई। तो जब ग्राम देवता की बात आती है, तो हर व्यक्ति हर ग्राम देवता को नहीं मना सकता है। इसीलिए मैंने बाद में जा करके भैरव जी को पकड़ा, क्योंकि भैरव जी हर तरह के ग्राम देवता और जो क्षेत्रपाल है उनके बॉस है, ठीक है। उस समय मुझे जो लोकल ट्राइबल तांत्रिक थे उनको बुलाना पड़ा, ठीक है, और उसके बाद उस क्षेत्र को पूरा साफ करवा करके पुनः देवता की स्थापना हुई, क्योंकि उस जगह सब लोगों का एक ही देव था। तो वो उन लोगों ने उसको उसके घर में स्थापित कर रखा था, क्योंकि बुजुर्ग था, वो सेवा सेवा भाव से सेवा करता रहता था। लेकिन इतना करने से कोई लाभ नहीं मिला। जो उनकी सुपुत्री थी जिसकी तबीयत खराब थी, वो और खराब होती चली गई सारा विधान करने के बाद भी। तो फिर उन लोगों ने, जो वहां के ग्रामीण थे, उन्होंने बोला कि इनको बोलो ये घर छोड़ के चला जाए, ये स्थान को रिक्त कर दे। अब वो अंतिम बार था जब मैं उस परिवार से मिला था, पता नहीं वो बचे नहीं बचे, लेकिन क्योंकि आदिवासी तंत्र था उनको पता था कि क्या होने वाला है, वो वहां से चले गए। उसके बाद कभी मुझसे संपर्क भी नहीं किया। एक क्षेत्रपाल की कितनी शक्ति होती है, ये इस एक कथा से आपको हमको समझ में आना चाहिए। 7 लोगों का वध कर देना, ठीक है, और उसके बाद जो बाकी लोग थे उनसे घर भी खाली करवा लेना। अभी हमारे जीवन में जब भी कुछ ऊंचा नीचा होता है, ठीक है, तो हम तांत्रिकों के पास दौड़ते हैं ये सोच के कि मेरे जीवन में कुछ बुरा है, कुछ संकट आ गया है, मेरे जीवन में किसी ने काला जादू कर दिया है। लेकिन अपने जीवन में हमेशा अपने ग्राम देवता और कुल देवता को याद रखना, क्योंकि अगर जो भी उनका व्यवस्था है, जो भी उनको भोग लगता है, जो भी उनकी पूजा पद्धति है, आप पूरा नहीं करोगे, आपके पूर्वज पूरा कर रहे थे, तो वो अपने तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ आपके जीवन में छोटा मोटा डिस्टरबेंस लाते रहेंगे। और एक बार जब आप उस पद्धति को फिर से अपना लोगे, तो फिर ये डिस्टरबेंस दूर हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी ग्राम देवता या किसी भी शक्ति से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपके बिलीफ सिस्टम में आता हो या नहीं आता। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको आसन बंधन और पूजा के पहले का जो भी विधान है वो सिखाया जाता है। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर और गूगल प्ले से। इसमें आप सर्च करेंगे रुद्रनाथ@cm4 तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप उस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। www.agurtantrasit.com या xyz इस पर आपको अपॉइंटमेंट का विधान भी मिल जाएगा। महादेव, काला भैरव आपकी रक्षा करें, ऐसी मेरी कामना है। आप
सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।